भारतीय जनता पार्टी मांग करती है मुख्यमंत्री जी, जिन डकैतों को आपने लूटने के लिए छोड़ रखा है, जिन डकैतों को आपने कर्मचारियों के शोषण करने के लिए छोड़ रखा है, कृपा करके इस स्थानांतरण उद्योग को बंद करने का काम करें। चोमू विधायक व बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार इस समय स्थानांतरण करने में व्यस्त है और सरकार के अनदेखी में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस के नेता व विधायकों के चेहरे खिले हुए हैं। कांग्रेस सरकार के द्वारा जारी ट्रांसफर उद्योग निरंतर रूप से अपनी प्रगति के ऊपर है। ट्रांसफर उद्योग से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन ये ट्रांसफर उद्योग से सरकारी कर्मचारी प्रताड़ना झेलने का काम करें, राजनीतिक द्वेषता के आधार पर, जातिगत द्वेषता के आधार के ऊपर, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के आधार के ऊपर अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी प्रताड़ना का शिकार हुआ आसाराम गुजर, जिसको आत्महत्या करनी पड़ी। एक तहसीलदार, एक राज्य सेवा का अधिकारी आत्महत्या करे और स्थानांतरण से प्रताड़ित होकर करे, मेरे ख्याल से सरकार के लिए यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है मुख्यमंत्री जी, जिन डकैतों को आपने लूटने के लिए छोड़ रखा है, जिन डकैतों को आपने कर्मचारियों के शोषण करने के लिए छोड़ रखा है, कृपा करके इस स्थानांतरण उद्योग को बंद करने का काम करे, ताकि सरकारी कर्मचारियों को राहत महसूस हो सके। कृपा करके एक आसाराम ने आत्महत्या की है, ऐसे अनेकों सरकारी कर्मचारी है जिनको राजनीतिक प्रताड़ना की वजह से अपने घर से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा गया। आज उनके परिवार की आहा इस सरकार को बर्बाद करके रख देगी, इसलिए कृपा करके समझने का प्रयास कीजिए और इस ट्रांसफर उद्योग के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करें। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206।